बजट में हमने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है और वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। लगभग 10 करोड़ परिवार यानी करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इलाज की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ता तो एक साल में 5 लाख रुपए का खर्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के उसको भुगतान करेगी। भारत के करीब 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ पॉपुलेशन, एक प्रकार से आधी जनसंख्या, उनको साल भर में 5 लाख रुपया तक की बीमारी का खर्चा सरकार भुगतान करेगी। एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति अगर जितनी बीमारी होती है, 5 लाख रुपए तक का पेमेंट सरकार देगी। दूसरा, इसके कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल आने की संभावना है, टायर 2 टायर 3 सिटी में अच्छे हॉस्पिटल का नेटवर्क खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट आएगा, क्योंकि पेशेंट को पता है कि मेरे पैसे कोई देने वाला है तो जरूर जाएगा। थोड़ी सी बीमारी आएगी तो आज नहीं जाता है, वो कहता है छोड़ो यार, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो जेल लेता है, लेकिन जब पता है तो जाएगा। आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को, जिसको हम कहें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, निम्न गरीब, मध्यम वर्ग, इन सबको बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की, उससे चिंता कराने की, चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। वही गंभीर बीमारी की स्थिति में देश के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को उत्तम और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने पर काम चल रहा है। इस योजना से ज्यादा राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। निजी अस्पताल से जुड़े लोगों से भी चर्चा चल रही है। मोटे तौर पर अनेक विषयों में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम जमीन पर उतरने वाली है। साथियों, ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए ही जीवनदान देने वाली है इतना नहीं है, बल्कि मेडिकल सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर पैदा करने वाली एक नई क्रांति की मिसाल है। इस योजना की वजह से आने वाले समय में देश के गांव और छोटे कस्बों के आसपास जो अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क बनना सुनिश्चित है। बहुत बड़ी मात्रा में नए अस्पताल बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब बीमारी का खर्च कोई और उठाने वाला है तो बीमार अस्पताल जाना पसंद करने वाला है, जो आज जाना टालता है, और बीमार अस्पताल आने के बाद पैसे कहीं से मिलना ये सुनिश्चित है तो अस्पताल और डॉक्टर भी सामने से काम करने के लिए तैयार है। और एक प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जो देश में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मेडिकल सेक्टर में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में हम एक नए युग के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, और इस सेक्टर में रोजगार के अवसर तो बढ़ने ही वाले हैं। हम जानते हैं एक डॉक्टर के साथ कितने लोगों को काम करना पड़ता है तब एक डॉक्टर कुछ परफॉर्म कर पा रहा है, कितने लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। हाँ, आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए बड़े शहरों की तरफ आने की मजबूरी भी मैं समझता हूं बहुत एक मात्रा में कम हो जाएगी।
साथियों, आज जब आप सभी से मैं चर्चा कर रहा हूं तो हरियाणा के करनाल की बेटी करिश्मा की बात करने का मन करता है। करिश्मा देश के 50 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सच्चे अर्थ में करिश्मा बनकर आई है। कुछ दिन पहले जन्मी ये बिटिया आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी है और इसलिए लोग अब उनको आयुष्मान बेबी भी कहने लगे हैं। उस बिटिया ने गरीब को सहारा देने वाली इस बहुत बड़ी योजना की शुभ शुरुआत की है। देश का गरीब अब गंभीर बीमारी की स्थिति में लाचार नहीं होगा, उसको अपना सब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा अब गरीब परिवार को मिलने वाली है। इस योजना में लाभार्थियों का चयन हो चुका है, अब आपको लाभार्थियों तक सही जानकारी पहुंचानी है और मुझे विश्वास है चाहे हमारी आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, एएनएम के लोग हैं, आप इस बात को घर घर पहुंचा देंगे। आप पर देश भरोसा करता है। अब आयुष्मान भारत देश के करीब करीब 50 करोड़ गरीब भाई बहनों के लिए संजीवनी बनकर के आई है। ये छोटा कार्यक्रम नहीं है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको की जितनी संख्या है उससे ज्यादा लोगों के लिए आयुष्मान भारत का कार्यक्रम हम हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है करीब करीब उतने लोगों को हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत की योजना लागू। कितना बड़ा काम, कितने लोगों की भलाई के लिए काम, इसकी आप कल्पना कर सकते। एक साल में 5 लाख रुपए तक का हर परिवार को मुफ्त इलाज, ये छोटा निर्णय नहीं है। 50 करोड़ लोगों का, हर परिवार का 5 लाख रुपए का सालाना तक का पूरा खर्चा, उसके इलाज का पूरा जिम्मा सुनिश्चित करने वाली आयुष्मान योजना का इन दिनों अभी ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है। आरोग्य कभी बीमारी, कितना ही मध्यम वर्ग का सुखी परिवार क्यों ना हो, अच्छी खासी आय रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, एक बार घर में बीमारी आ जाए तो व्यक्ति नहीं पूरा परिवार बीमार हो जाता है। कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के चक्र में फंस जाता है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार ये प्रारंभिक हैं। आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ इंश्योरेंस देने की योजना है जे हम इस देश को देने वाले हैं। और आज 15 अगस्त से इसके लिए जो टेक्नोलॉजी के टूल बने हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंसी पर बल हो, किसी सामान्य व्यक्ति को ये अवसर पाने में दिक्कत ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 15 अगस्त से आने वाले 4, 5, 6 सप्ताह देश के अलग अलग कोने में
इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर टू टायर थ्री सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, कोई गरीब गरीबी में जीना नहीं चाहता, कोई गरीब गरीबी में मरना नहीं चाहता, कोई गरीब अपने बच्चों को विरासत में गरीबी दे करके जाना नहीं चाहता। वो छटपटा रहा होता है जिंदगी भर गरीबी से बाहर निकालने के लिए और इस संकट से बाहर आने के लिए। गरीब को सशक्त बनाना यही उपचार है, यही उपाय है। हमने पिछले 4 साल में गरीब को सशक्त बनाने की दिशा में बल दिया है, हमारा प्रयास रहा है गरीब सशक्त हो। और अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है कि पिछले दो वर्ष में भारत में 5 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, जब गरीब के सशक्तिकरण का काम करते हैं और जब मैं आयुष्मान भारत की बात करता हूं, 10 करोड़ परिवार यानी क्या, 50 करोड़ जनसंख्या यानी क्या, बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कितनी बड़ी योजना है। अगर मैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूं तो करीब करीब इतने लाभार्थी ये आयुष्मान भारत योजना में है। 23 सितंबर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों को किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और सालाना 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का।